मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 14 वर्षीय पुत्र के द्वारा अपने पिता की शराब छुड़ाने के लिए सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली गई। बताया जा रहा है कि सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत पडखुरी गांव निवासी 14 वर्षीय अमित प्रजापति 2 जनवरी को फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। 2 जनवरी की सुबह घर में अमित प्रजापति का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया। वहीं जब मौके पर रामपुर नैकिन थाना प्रभारी सहित पुलिस पहुंचे तो वहां पर एक सुसाइड नोट भी लिखा मिला। सुसाइड नोट में साफ तौर पर पुत्र के द्वारा लिखा गया था कि पापा आप शराब ना पिया करिए, अगर कभी शराब पीने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़े तो मेरे बक्से में पैसे रखे हुए हैं, उन पैसों को भी ले लीजिएगा। एक पुत्र के द्वारा अपने पिता की शराब छुड़ाने के लिए सुसाइड नोट लिखा गया और साफ तौर पर यह निवेदन किया गया कि आप शराब का सेवन ना किया करिए। वहीं मृतक अमित प्रजापति के पिता के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि विगत दिनों पूर्व अमित प्रजापति की उसके स्कूल के टीचर के साथ झगड़ा हुआ था और स्कूल के टीचर के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अमित प्रजापति टेंशन में चल रहा था और टेंशन में आने की वजह से वह आत्महत्या जैसे कदम उठाया है। एक तरफ तो पिता के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल के टीचर के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिलवाया गया है, मारपीट कर दिया गया, जिसके वजह से अमित प्रजापति डिप्रेशन में चला गया और डिप्रेशन में जाने की वजह से ऐसी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन जब मौके पर रामपुर नैकिन थाना प्रभारी अपने बल के साथ पहुंचे तो वहां पर सब के साथ एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि पापा आप शराब ना पिया करिए, एक 14 वर्षीय पुत्र अमित प्रजापति के द्वारा अपने पिता की शराब छुड़ाने के लिए सुसाइड नोट लिखा गया था। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों कथनों को दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि मृतक अमित प्रजापति नवोदय विद्यालय चुरहट का छात्र है और वह 8वीं कक्षा में पढ़ता है। 2 जनवरी की सुबह अमित प्रजापति का शव उसके ही घर में लटकता हुआ पाया गया, लेकिन सबके साथ जो सुसाइड नोट मिला वह चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्र के द्वारा अपने पिता को शराब छुड़ाने के लिए निवेदन किया जा रहा है। 14 वर्षीय पुत्र आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में यह था कि पिता जिस तरह से शराब का सेवन करते हैं वह उसके लिए और उनके परिवार के लिए सही नहीं है, जिस कारण से छात्र के द्वारा सुसाइड नोट लिखकर यह निवेदन किया गया कि पापा आप शराब का सेवन छोड़ दे। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।